न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। भारत का इंग्लैंड में 15 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। आपको बता दें कि इंग्लैंड ने भारत को करीब 7 विकेट से हरा दिया। भारत का इंग्लैंड में 15 साल के बाद टेस्ट सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रूट और जॉनी बेयरस्टो के बीच चौथे विकेट के लिए 269 रन की पार्टनरशिप के बदौलत इंग्लैंड ने 378 रन के टारगेट को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। ये पहली बार है जब भारत ने विरोधी टीम को 350 रन से अधिक का टारगेट दिया हो और उसके बाद भी मैच गंवा दिया। जो रूट ने 5वें दिन अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ा। 2021 के बाद इंग्लैंड के इस बल्लेबाज के बल्ले से 47 पारियों में 11 शतक निकल चुके हैं। भारत के खिलाफ रूट की 9वीं सेंचुरी रही। भारत टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड को 378 रन का लक्ष्य मिला। ऐसा लगा यह लक्ष्य बड़ा है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को पहले इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने धोया। एलेक्स लीस और जैक क्रॉली ने पहले विकेट के लिए 107 रन जोड़े। हालांकि इसके बाद दो रन के अंदर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे और ऐसा लगा भारत ने मैच में वापसी कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने तो पूरा मैच ही पलट दिया। टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने मैच के चौथे दिन इंग्लैंड के शुरुआती दोनों विकेट झटके। टी से पहले उन्होंने जैक क्रॉली को 46 रन की निजी स्कोर पर बोल कर दिया। वहीं टी के बाद पहली गेंद पर ओली पॉप को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इंग्लैंड दोनों झटकों से अभी संभल भी नहीं पाया था कि तभी मोहम्मद शमी ने एक शानदार थ्रो ने एलेक्स लीस को रन आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद भारत ने 2 ओवर में 2 रिव्यू गवा दिए। पहले रविंद्र जाडेजा की गेंद पर जो रूट के लिए LBW की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करा दिया। भारतीय खिलाड़ी को लगा रूट आउट है और रिव्यू ले लिया। रिप्ले में साफ नजर आया कि बॉल लेग स्टंप से बाहर जा रही थी।